और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नोएडा के एक्सिस बैंक के सेक्टर 51 की शाखा में छापा मारा गया है। इनकम टैक्स विभाग ने यह छापा मारा है, 20 फर्जी कंपनियों के खातों का पता चला है, 60 करोड़ रुपए यहां पर जमा किए गए थे। तो नोएडा में इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की है, सेक्टर 51 में जो एक्सिस बैंक की शाखा है वहां पर यह छापा मारा गया है और इस छापे के दौरान 20 फर्जी कंपनियों के खातों का पता चला है और जानकारी यह भी मिल रही है कि 60 करोड़ रुपए यहां पर जमा किए गए थे। तो पूरी तरह से निगाह इनकम टैक्स विभाग की बनी हुई है हर बैंक पर, जहां कहीं पर भी पैसे जमा किए गए हैं, और ऐसे में यहां पर 60 करोड़ रुपए जमा हुए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता गिरीश नारायण का। गिरीश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किन किन लोगों से यहाँ पर पूछताछ हो रही है और किस तरह का खुलासा? जी, फिलहाल जो प्राथमिक जानकारी मिली है उससे इनकम टैक्स विभाग को जानकारी मिली थी कि सेक्टर 51 का जो एक्सिस बैंक है यहाँ पर कुछ बोगस कंपनियां बनाई गई हैं जो पूरी तरह से फर्जी हैं और उनमें कुछ करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ है, जिसको लेकर इनकम टैक्स विभाग लगातार इस बैंक को रडार पर लिए हुए था और आज इनकम टैक्स ने यहाँ पे छापेमारी की है। तो 20 के आसपास कंपनियां, ऐसी बोगस कंपनियां मिली हैं जिनमें लेन देन किया गया है और कहीं ना कहीं जो काला धन था 8 नवंबर के बाद जो नोटबंदी की गई थी उसको, काले धन को बचाने के लिए इन कंपनियों को खड़ा किया गया और इसमें लेन देन किया गया। बिल्कुल, तो पूछताछ किस किस से हो रही है? जी, फिलहाल जो बैंक के कर्मचारी हैं, बैंक मैनेजर हैं, उन सबको क्या कहते हैं शक के दायरे में लिया गया है और जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है उन्होंने सभी बैंक कर्मियों को पूछताछ की जा रही है और जो कंपनियां हैं जिन कंपनियों को खोला गया है, किनके नाम से खोला गया है, उनको भी पूछताछ के लिए दायरे में लिया गया है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गिरीश इस जानकारी के लिए। तो एक्सिस बैंक की सेक्टर 51 की जो नोएडा की शाखा है उसमें इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है और यहां पर बैंक कर्मियों से पूछताछ की जा रही है और जो कर्मचारी हैं उनसे भी।